महत्वपूर्ण विषय है, अगर आप लोग थोड़ी व्यवस्था बना के रखेंगे तो आपको भी जो आपके मन में सवाल है वो भी आपको उसके जवाब मिलेंगे। साथियों, आज हम और मेरे साथी शक्ति जी आपके समक्ष, क्योंकि मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप चला रहे हैं, आपके माध्यम से चलवाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री 25 लाख बच्चों के गुनहगार हैं। 25 लाख बच्चे जो नीट की धोखाधड़ी से प्रभावित हुए हैं वो गुनहगार हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट देते हैं और बाद में नाटक करते हैं कि हाँ कुछ विसंगतियां हैं। गुजरात में क्या हुआ, हरियाणा में एक बीजेपी के मंत्री के स्कूल में उस केंद्र से 6 बच्चे टॉपर की लिस्ट में, तो पूरे देश में नीट को लेके हाहाकार मचा हुआ है। और नीट के उस हाहाकार को, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, एनटीए को खत्म करना चाहिए, उसकी जगह पे क्या चर्चा चल रही है बिहार में कि गेस्ट हाउस बुकिंग किसने करवाई। नीट 25 लाख बच्चे, उनका अंधकारमय भविष्य चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय है गेस्ट हाउस, एक झूठी कहानी के आधार पर। अब मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखता हूँ। आप सब ये तस्वीर देख रहे हैं, शक्ति जी ये तस्वीर ऊपर कर दीजिए। इसमें जो शख्स दिख रहा है, उसका नाम अमित आनंद है, कबूलनामा है, कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। दूसरा व्यक्ति नीतीश कुमार है, जिसका कन्फेशन ऑफ गिल्ट है। और ये तमाम चीज होने के बावजूद गेस्ट हाउस की एक कहानी बनाई जा रही है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सबने सुना होगा कि मंत्री कोषांग, कौन से मंत्री का कोषांग रे भाई, पत्र संख्या 440, कहां है वो पत्र भैया, हमारे रिकॉर्ड में तो नहीं है। ये पत्र पैदा कौन कर रहा है, ये पत्र आ कहां से रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि नीट में जो बड़े बड़े लोग हैं, किंगपिन हैं, एक जिले के लोग हैं, पूरे देश में वो नेटवर्क है, और उस नेटवर्क को बचाने के लिए आप झूठी कहानियां कर रहे हो। किस तरह की जुबान विजय सिन्हा जी बोल रहे हैं, जो खुद ही कबूल चुके हैं कि गेस्ट हाउस में उनके पीएस प्रदीप श्रीवास्तव रूम बुक कराते हैं। जिस व्यक्ति यादवेंदु का जिक्र होता है उसके बारे में सुन लीजिए कुछ तथ्यात्मक चीजें। 2020-21 में 28 जून को जल संसाधन विभाग, संजय झा मंत्री जी से तारकिशोर प्रसाद नगर विकास में इनका पदस्थापन होता है, वहां सेवा देते हैं, और 30 जून 22 को उनको दानापुर और पटना पश्चिम का प्रभार सौंपा गया। मंत्री कौन थे? तारकिशोर प्रसाद जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पूरी कहानी जो चलाई गई, जिसमें एक सरकारी मुलाजिम को बदनाम करने की साजिश की गई, क्यों? कि बड़े चेहरों को बचाना है, जो नीट में अपराधी हैं, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा है उनको बचाना है। धर्मेंद्र, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आप सब समझदार लोग हैं, अगर इतना बड़ा घपला हुआ जो विजय सिन्हा जी कह रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी ही क्यों। मैंने प्रधानमंत्री जी की जुबान से एक शब्द नहीं सुना, एग्जाम वॉरियर किताब लिखते हैं, एक्चुअली उनकी पूरी सरकार स्कैम की सरकार है, वो लीकेज वॉरियर है, कहां लीकेज हो उसमें है। तो लब्बो लुबाब ये है कि आपके समक्ष, आप मीडिया के साथी भी ये ध्यान रखो, ये 25 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसको एक गेस्ट हाउस की झूठी कहानी में मत उलझाइए, क्योंकि 25 लाख बच्चों की आह लगेगी सबको, 25 लाख युवाओं के सपनों की आह सबको लगेगी, वो सिर्फ शिक्षा मंत्री को आह नहीं लगेगी, वो तमाम लोग जो इस गुनाह में शरीक हैं, पर्दादारी कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम, अभी एक अखबार है दैनिक भास्कर, उसने लिखा कि अप्रैल के महीने में कह दिया था
किसी ने कि लीक होगा, लीक हुआ। एनटीए से ईओयू अपनी बिहार वाली कुछ सवाल पूछ रही है, एनटीए किस दबाव में उनका जवाब नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपनी भूमिका का निर्वहन करिए और 25 लाख बच्चों के भविष्य को गेस्ट हाउस की झूठी कहानी में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि फलाने मंत्री ने क्या कहा, चिलाने मंत्री ने